हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाऊंगा। काफी सारे भाई काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि भाई दिवाली बहुत जल्द आ रहा है तो एक डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाओ। आज के इस वीडियो पर हम एक डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाएंगे जो कि पानी वगैरह से खराब नहीं होगा ये लाइट और काफी मजबूत रहेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे पास है यहाँ पर तीन टाइप के कॉपर वायर और हमें इस प्रोजेक्ट में कॉपर वायर का जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये थोड़ा सा मोटा साइज का कॉपर वायर है जो कि 22 नंबर का ये वायर है, और ये उससे थोड़ा सा पतला साइज का है, उससे पतला ये वाला देखिए, ये काफ़ी पतला है। तो यहाँ पर इन दोनों का नंबर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है 22 नंबर का ये वायर है, देख सकते हैं ये काफ़ी पतला है और ये काफ़ी मोटा है। तो इसमें से हमें ये पतला वाले का ज़रूरत है, इस वाले कॉपर वायर का। तो इन दोनों को साइड कर देते हैं। तो इस टाइप का आपको जो है कॉपर वायर ले लेना है, काफ़ी पतला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉपर वायर को थोड़ा सा सीधा कर लेना है इस टाइप से, लगभग ये 5 इंची करीब काट लेना। देखिए गाइस, इतना सा साइज आपको जो है कटिंग कर लेना है और इसी साइज का लगभग 50 पीस आपको जो है कटिंग करना है। तो चलिए फटाफट मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं 50 पीस कॉपर वायर कटिंग कर लिया हूँ और ये मेरे पास काफ़ी सारा वायर बच चुका है। और गाइस, ये जो कॉपर वायर है ये आप किसी भी मोटर वाइंडिंग दुकान से जो है ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, 10-20 रुपए लेगा वहाँ पर। इसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का LED ले लेना है। ये 5 mm का एक RGB LED है और ये एक पीस LED मुझे 2 रुपये का मिला, लोकल मार्केट से मिला मुझे, और ऑनलाइन पर थोड़ा ज़्यादा महंगा ही मिलेगा ये। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास है 50 LED, RGB LED है, रेड ग्रीन ब्लू कलर इसमें से निकलता है। चलिए एक बार जलाकर दिखाते हैं। देखिए गाइस, इस LED का जो ये दो लेग है, इसमें से ये बड़ा वाला लेग ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो देखिए गाइस, मस्त कलर यहाँ से निकल रहा है, रेड और ग्रीन और ब्लू। अब गाइस आपको क्या करना है, इस LED का जो ये वाला लेग है यहाँ से हमें जो है कटिंग करना होगा, इस तरीके से काट कर इस लेग को छोटा कर लेना है। तो चलिए इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, सभी LED का लेग जो है मैं कटिंग करके रेडी कर लिया हूँ। और एक बात गाइस, यहाँ पर आपको 50 LED से कम यूज नहीं करना है, 50 से ज्यादा ही LED आप यूज कर सकते हैं, 50 LED से कम यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर LED हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पर ये कॉपर वायर तो मैं पहले ही काट लिया था। अभी क्या करना है हमें, इस LED को इस कॉपर वायर के साथ जो है डायरेक्ट सोल्डिंग करना है और सोल्डिंग करके आपस में कनेक्शन करना है। कनेक्शन काफ़ी ईजी है, सभी LED को जो है आपको सीरीज में कनेक्शन करना है। तो चलिए एक बार कनेक्शन आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेन ले लिया हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ बढ़िया से। देखिए, ये एक LED, ये एक LED, ये एक LED और ये एक LED, ये दो लेग है इसका, ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखिए गाइस, काफ़ी सिंपल है। इसका जो ये नेगेटिव है ये जाएगा इधर पॉजिटिव में, और इसका नेगेटिव जाएगा इसके पॉजिटिव में, और इसका नेगेटिव जाएगा इसका पॉजिटिव में। मतलब इस तरीके से आपको जो है सीरीज वाइज कनेक्शन करना है। टोटल 50 LED को इसी तरीके से जो है आपको कनेक्शन करते हुए आगे बढ़ना है। सभी LEDs को आपको सीरीज में कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन जो है काफी इजी है, आसानी से आप कर लोगे। तो चलिए सभी LEDs को एक एक करके मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइस, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको परी मैच के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें आप अपने स्पोर्ट्स के नॉलेज और प्रेडिक्शन के जरिए काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे वैरायटीज ऑफ स्पोर्ट्स ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको काफी सारे गेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि कबड्डी, क्रिकेट और भी काफी सारे इसमें गेम अवेलेबल है। और जब टूर्नामेंट चलता है, जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस और IPL वगैरह, उसमें आपका प्रेडिक्शन और ज्यादा काम करता है। यहाँ पे आपको बस प्रेडिक्ट करना है किसी भी प्लेयर को लेकर या फिर किसी भी स्कोर को लेकर। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहता है तो आप इसमें पैसा जीतते हैं। और गाइस, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए 3 टिप्स है। पहला है, कहीं भी एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। और गाइस, दूसरा टिप्स ये है, जिस प्लेयर के ऊपर या फिर जिस स्ट्रेटेजी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रैंकिंग एंड रेटिंग जरूर से पता करें। और तीसरा टिप्स ये रहेगा, पेशेंस रखें और साथ साथ अपने इमोशन को कंट्रोल करके डिसीजन लें। गाइस, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जिसमें परिमैच का अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करना है, गेम कैसे खेलना है, डिपॉजिट कैसे करना है और गेम खेल के जीतने के बाद विड्रॉ कैसे करना है, इन सारे जानकारी का जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। तो लिंक को जरूर से चेकआउट करें और परी मैच में अपना स्पोर्ट्स स्किल को यूज करना ना भूलें।
तो गाइस पूरे 50 एलईडी का कनेक्शन मैं कर लिया हूँ, और ये देखिए ये एलईडी का लास्ट जो एलईडी है वो है यहाँ से, ये नेगेटिव से होते हुए इसके पॉजिटिव पेन हुआ है। अब इसका नेगेटिव जो है ये खाली है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से ये कॉपर वायर लेना है, सेम वायर है, तो इस कॉपर वायर को क्या करना है, इस एलईडी के नेगेटिव पर इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस इसका जो ये नेगेटिव वायर है इसको क्या करना है, पूरे जो चेन है लंबा सा इसमें पूरा लपेटते हुए बिल्कुल ये फर्स्ट वाला जो ये एलईडी है यहाँ तक लेके आना है। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है आराम आराम से इसमें जो है लपेट देना है पूरे चेन में। तो ये थोड़ा पेचीदा वाला काम है, आराम आराम से आपको करना है। तो यहाँ पर गाइस पूरे चेन में वायर को मैं लपेट लिया हूँ, और ये लास्ट में देख सकते हैं दो वायर निकल चुका है, ये एलईडी का पॉजिटिव वायर है और ये इसका नेगेटिव वायर है। अब यहाँ पर पावर देंगे तो सभी एलईडी जो है काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा, और इस तरीके से हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जो है टूट जाएगा, ये कॉपर वायर काफ़ी पतला है तो बहुत जल्द टूट जाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस पाइप का यूज़ करूँगा, ये एक वाटर लेवल पाइप है और ये ट्रांसपेरेंट पाइप है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एलईडी को जो है इस तरीके से डाल देंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट है, अंदर एलईडी जलेगा तो बाहर मस्त लाइट दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है अंदर डाल देंगे, और ये यहाँ पर मैं चाहता था दूसरा मोटा सा वायर लगा सकता था, लेकिन ये एलईडी इसके अंदर अच्छे से फिट हो सके तो इसलिए मैं पतला सा कॉपर वायर लिया हूँ। मोटा वायर लगाएंगे तो इस पाइप के अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है पूरा चेन को जो है इस पाइप के अंदर डाल देना है। और गाइस इन सभी एलईडीज को इस पाइप के अंदर डालना एक मुश्किल वाला काम है। इसे डालने के लिए एक सिंपल सा जुगाड़, सबसे पहले इस पाइप का लास्ट वाले सिरे से जो है एक मोटा सा वायर यहाँ से डाल देना है, और उस वायर पे इस एलईडी को बांध देना है, फिर धीरे धीरे उस वाले वायर को जब खींचेंगे ये धीरे धीरे जो है आराम आराम से इस तरीके से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं सभी एलईडीज को पाइप के अंदर डाल दिया हूँ, देख सकते हैं ये पाइप का एंड पॉइंट है और ये खुला हुआ है, तो यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं हॉट ग्लू डाल दूंगा, इस तरीके से गाइस हॉट ग्लू डालकर इसे जो है कवर कर देना है। देखिए गाइस क्या मस्त यहाँ पर सील हो चुका है पूरा, अब जो है पानी वगैरह नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको हॉट ग्लू डालकर यहाँ पर पूरा पैक कर देना है। और गाइस इस साइड पे हमें जो है पावर देना है इस एलईडी को जलाने के लिए, तो यहाँ पर हमें जो है एक सर्किट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इस पूरे एलईडी को जो है 220 वोल्ट से जलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एलईडी पे 220 वोल्ट लगा देंगे तो पूरा एलईडी जो है खराब हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एक सर्किट लगाना पड़ेगा। सर्किट बनाने के लिए आपको चार डायोड ले लेना है, और ये 4007 नंबर का चार डायोड है, तो इसमें से आपको दो डायोड लेना है। और यहाँ पर गाइस देखिए ये है इसका ब्लैक साइड और ये इसका व्हाइट साइड, जिधर ये व्हाइट कलर दिया हुआ है, तो इस साइड को क्या करना है आपस में इस तरीके से आपको जो है मुड़कर जॉइंट कर लेना है, और बाकी दोनों को क्या करना है आपको, ये जो व्हाइट साइड है और ये जो ब्लैक साइड है हमें इस ब्लैक साइड को जो है इस तरीके से मोड़ लेना है इसका। अब गाइस इन दोनों पेयर को हमें कुछ इस टाइप से यहां पर कनेक्शन करना है। तो इन चारों डायोड को कुछ इस टाइप से आपको जो है कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए सोल्डिंग कर लेता हूं सभी लेग में। तो यहाँ पर गाइस मैं चारों लेग को सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा लेग को काट कर हटा देना है। इसके बाद गाइस आपको एक क्वार्टर वाट में एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टर ले लेना है, और इसे आपको इन चारों डायोड के इस पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। देखिए गाइस इन दोनों डायोड का ये एक ब्लैक साइड पॉइंट है और ये व्हाइट साइड का जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको जो है सोल्डिंग कर देना है। और इसके बाद गाइस आपको एक पीएफ कैपेसिटर ले लेना है जो कि 474J 250 वोल्ट का है, तो इसको आपको क्या करना है, इस रेजिस्टर के बीच में आपको सोल्डिंग कर देना है। और इसके साथ में आपको एक 250 वोल्ट 10UF का कैपेसिटर ले लेना है। ये हमारा आउटपुट पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव आउटपुट है और ये पॉजिटिव आउटपुट है, तो इस कैपेसिटर को भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखकर कनेक्ट करना है। तो गाइस कुछ इस टाइप का आपको एक छोटा सा सर्किट बना लेना है। अब गाइस हमें इस सर्किट को इस पाइप के अंदर डालने के लिए यहाँ पर मैं एक बिजली फिटिंग करने वाला पाइप से एक छोटा सा पीस कटिंग कर लिया हूँ, तो इस पाइप को कुछ इस टाइप से यहाँ पर अंदर डालेंगे, और इस पाइप के साथ में आपको इस टाइप का दो पीस कटिंग कर लेना है दोनों साइड को ढकने के लिए। आप इस पाइप के बदले किसी भी छोटे मोटे बॉक्स ले सकते हैं, जो प्लास्टिक के छोटे मोटे बॉक्स आते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको सिर्फ कवर करना है। तो यहाँ पर मैं पाइप का यूज कर रहा हूँ।
अब गाइज आपको क्या करना है, एक एसी कॉर्ड ले लेना है और इस एसी कॉर्ड को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस कवर में इस वायर को डाल लेता हूँ और इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर गाइज कनेक्शन देखिए, यहाँ पर एक एसी का वायर लगेगा और डायोड के इस पॉइंट पर एक एसी का वायर लगेगा। तो चलिए मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइज मैं सर्किट के साथ ये एसी का वायर कनेक्ट कर दिया हूँ और इस पाइप को इस तरीके से आपको डाल लेना है। और इसके बाद गाइज यहाँ पर हमें एलईडी का वायर कनेक्ट करना है। गाइज देखिए, इस एलईडी का वायर को यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले इस कवर को आपको जो है इस पाइप के अंदर फिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एलईडी का जो ये दोनों वायर है यहाँ पर कनेक्ट करना है दोनों आउटपुट पॉइंट पर। गाइज आपको यहाँ पर कनेक्शन ध्यान से करना है। एलईडी का जो नेगेटिव वायर है उसे आपको जो है नेगेटिव पर लगाना है और पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पर लगाना है। सिर्फ इसी को आपको ध्यान से लगाना है। तो चलिए गाइज आप इस पाइप को यहाँ पर अच्छे से सेट करके सुपर ग्लू से बढ़िया से चिपका देते हैं। और गाइज थोड़ा सा इस पाइप में यहाँ पर भी डाल देना है ताकि इस तरीके से खींचने पर ना खुले। ये काफी मजबूती से चिपक गया है। तो यहाँ पर गाइज हमारा जो दिवाली के लिए डेकोरेशन लाइट है वो बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे जलाकर टेस्ट करते हैं, काफी मजा आएगा। गाइज इसे जलाने से पहले मैं पूरा टेबल पर जो है सजा दिया हूँ, थोड़ा सा देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। अब जो है इस जैक को मैं एसी 220 वोल्ट के जो स्विच बोर्ड है उस पर कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूँ देख सकते हैं काफी बढ़िया से जो है यहाँ पर ग्लो हो रहा है सारा एलईडी। एक भी एलईडी यहाँ पर ऑफ नहीं है, सभी जो है यहाँ पर काफी अच्छे से जल रहा है। और देखिए गाइज क्या मस्त कलर यहाँ पर चमक रहा है। एक तो ये पाइप का अंदर है, शॉक वगैरह भी नहीं लगेगा और ये काफी मजबूत हो चुका है। मतलब इस लाइट को आप एक बार बनाओगे सालों साल तक यूज कर सकते हो। चलिए गाइस अब जो है लाइट बंद करके एक बार आपको दिखाता हूँ नजारा कैसा लगता है। चलिए लाइट बंद कर देता हूँ यहाँ से, वो वाला भी बंद कर दो। हाँ देखिए गाइस क्या मस्त यहाँ पर चमक रहा है, एकदम मजा ही आ गया। देखिए गाइस यहाँ पर कलर जो है काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पाइप के अंदर ये एलईडी है इसलिए ज्यादा ही ग्लो हो रहा है सभी एलईडी। गाइस ये जो डेकोरेशन लाइट है मुझे तो काफी बढ़िया लगा, इस दिवाली पे मैं इसी लाइट को यूज करूंगा घर को डेकोरेशन करने के लिए। आप भी इस डेकोरेशन लाइट को आसानी से बनाकर घर को सजा सकते हो इस दिवाली में। तो गाइस ये डेकोरेशन लाइट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो पर।